गुड मॉर्निंग। आज हम पिरिडीन की केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे। सबसे पहले पिरिडीन की हम बेसिक कैरेक्टर स्टडी करेंगे। पिरिडीन एक बेसिक कंपाउंड है। कुछ रिएक्शंस मैंने दी हुई हैं यहाँ पर जो इसके बेसिक कैरेक्टर्स को इंडिकेट कर रही हैं। पहली रिएक्शन में देखिए, पिरिडीन की रिएक्शन जो है मिथाइल आयोडाइड से कराई गई है, जिसमें मिथाइल जो है नाइट्रोजन से नाइट्रोजन पे आके अटैच हो रहा है और आयोडाइड जो है इसका काउंटर आयन है। जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है वो है एन मिथाइल पिरिडीनियम आयोडाइड। सेकेंड रिएक्शन ब्रोमीन से कराई गई है, जिससे एन ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड बन रहा है। और थर्ड रिएक्शन में यहाँ पर एसिटाइलेशन कराया गया है, पर ये एसिटाइलेशन भी नाइट्रोजन पे हो रहा है और एन एसिटाइल पिरिडीनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। ये तीनों रिएक्शंस जो हैं पिरिडीन की बेसिक करेक्टर को शो कर रही हैं। पिरिडीन की पीके वैल्यू जो है वो होती है 8.8, जो लगभग एनिलीन के पीके वैल्यू के बराबर है। एनिलीन की पीके वैल्यू 9.4 होती है। ये लगभग बराबर सी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिरिडीन जो है एनिलीन जैसी ही बेसिक कंपाउंड है। पिरिडीन में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो एरोमेटिक सिस्टिक बनाने के काम में नहीं आता है। अतः पिरिडीन की नाइट्रोजन पर पिरिडीन की नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो प्रोटीनेशन के लिए अवेलेबल रहता है, और इसलिए पिरिडीन जो है बेसिक करेक्टर शो करता है। हम इसके बाद जो है बेसिक करेक्टर का कंपैरिजन देखते हैं पिपिरिडीन और पिरोल से। यहाँ ऑर्डर मैंने शो किया हुआ है आपको। पिपिरिडीन जो कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, उसके बाद पिरिडीन, और सबसे कम जो बेसिक है इन तीनों में वो है पिरोल। पिपिरिडीन बेसिकली एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक है बट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और पिरिडीन और पिरोल दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है। पिपिरिडीन और पिरिडीन के कंपैरिजन से पहले हम पहले पिरिडीन और पिरोल का कंपैरिजन देख लेते हैं। पिरिडीन जो है वो ज़्यादा बेसिक है पिरोल के तुलना में, और उसका कारण क्या है कि पिरोल में जो नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर है वो एरोमेटिक सिस्टिक बनाने के काम में आ जाता है। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि पिरोल की नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, अतः प्रोटोन को देने के लिए उपलब्ध नहीं रहता है। जबकि पिरिडीन में यह लोन पेयर जो है एरोमेटिक सिस्टिक बनाने के काम में नहीं आता है, इसलिए नाइट्रोजन पर उपस्थित है और आसानी से प्रोटोन को दिया जा सकता है, और इसलिए पिरिडीन सदा ही पिरोल की तुलना में ज़्यादा बेसिक रहेगी। नेक्स्ट कंपैरिजन हम कर रहे हैं पिरिडीन और पिपिरिडीन में। पिपिरिडीन एक सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन की तरह ही बिहेव करता है, जबकि ये के साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन फिर भी यह सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन की तरह ही हम इसको मान सकते हैं, और यह पिरिडीन की तुलना में बहुत अधिक क्षारीय होता है। पिपिरिडीन की अधिक क्षारीयता को हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे समझ सकते हैं। पिपिरिडीन में उपस्थित नाइट्रोजन का संकरण जो है वो sp3 है, जबकि पिरिडीन की नाइट्रोजन का संकरण जो है वो sp2 होता है। पिपिरिडीन में जो उपस्थित लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, जबकि पिरिडीन में जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है। sp3 ऑर्बिटल में s करेक्टर sp2 की तुलना में कम है, इसलिए sp2 ऑर्बिटल में उपस्थित पिरिडीन का लोन पेयर नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अधिक पास है, अतः अधिक आकर्षण बल के कारण ज़्यादा बंधा हुआ है, अतः आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है।
इसलिए पिरिडीन जो है पिपिरिडीन की तुलना में कम क्षारीय होगा। करेक्टर स्टडी करने के बाद अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं पिरिडीन में। पिरिडीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह पिरिडीन भी जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, तो पिरिडीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन यहाँ पिरिडीन जो है एक इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड है, और क्योंकि जो नाइट्रोजन है पिरिडीन का वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए वो रिंग पर माइनस आई इफेक्ट डालता है, जिससे टोटल रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए ये कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड है। इसलिए पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं कराई जा सकती है। इसके अलावा एक और रीजन भी है कि जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो यूजुअली हम एसिड जो है वो लेते हैं, और एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रोजन पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, और जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से नाइट्रोजन फर्दर जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये रिंग को फर्दर डीएक्टिवेट कर देगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो मुश्किल होने लग जाती हैं। माइल्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरिडीन में कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इवन हमने ऐसा भी ऑब्जर्व किया है यहाँ पर कि फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन तो यहाँ होती ही नहीं है। इसके बाद हम इसका ओरिएंटेशन देखते हैं। पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं कार्बन नंबर 3 और 5 पर कराई जाती हैं, जो कि इसकी बीटा पोजीशन है, या इसको आप इसकी मेटा पोजीशन भी समझ सकते हैं। जो दो ऑर्थो पोजीशन मैंने यहाँ स्लाइड में शो करी है वो है C2 और C4, और मेटा पोजीशन जो है वो C3 है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के C2 पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसमें पहला ही जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कम स्टेबल है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और नाइट्रोजन एक बहुत ही अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आना जो है उसको काफी, इस जो कैनोनिकल फॉर्म है या रेजोनेटिंग फॉर्म है, इसको काफी अनस्टेबल कर देता है। ये काफी अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद अगर C3 पे हम इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी रेजोनेटिंग फॉर्म, तीनों रेजोनेटिंग फॉर्म्स जो हैं उनमें किसी भी रेजोनेटिंग फॉर्म पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ये तीनों फॉर्म्स जो हैं स्टेबल हैं। जबकि अगर हम इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अगेन C4 पे करेंगे, जो कि इसकी पैरा पोजिशन है, उस पे करेंगे, तो फिर जो सेकंड स्ट्रक्चर है C4 पे अटैक करने से, वो फिर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए वो बहुत कम स्टेबल होगा ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसलिए हम फाइनली इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि C4 और C2 जो पोजीशन, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, उन पर अगर इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करता है तो हमें जो रेजोनेटिंग फॉर्म्स मिलती हैं उनमें एक एक रेजोनेटिंग फॉर्म बहुत कम स्टेबल है, जबकि दो रेजोनेटिंग फॉर्म स्टेबल हैं। जबकि C3 पर अगर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होता है तो तीनों रेजोनेटिंग फॉर्म जो है स्टेबल होती हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इसलिए यहाँ जो प्रिफर्ड पोजीशन होगी वो हमारी C3 होगी रादर देन 2 एंड 4। तो ओरिएंटेशन में हम ये बताएंगे फाइनली कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिफरेंशली हमारा C3 पोजीशन पे होगा, और C5 पोजीशन भी मेटा पोजीशन है, तो C3 अगर ऑक्यूपाइड है तो C5 पे भी हो सकता है। यूजुअली मोनो सब्स्टिट्यूशन ही इसमें पॉसिबल हो पाते हैं, डाई सब्स्टिट्यूशन करना इसमें और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी फर्दर ग्रुप की प्रेजेंस के कारण
जो न्यूक्लियस है वो फिर से डीएक्टिवेट हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। इसमें सबसे पहला हम देख रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो है वो फ्यूमिंग HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराया जा सकता है। जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो होगा 3-नाइट्रोपिरिडीन। 3 पोजीशन पे नाइट्रेशन हो रहा है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अभी हमने देखा था ओरिएंटेशन में कि यहाँ पर 3 पोजीशन पे ही हमेशा पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जो है ओलियम और HgSO4 की प्रेजेंस में कराया जा रहा है। इसमें 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम लिया है हमने, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हमारा है पिरिडीन 3-सल्फोनिक एसिड। या नाम में भी आप एक बार फिर नोटिस करें, हमने लिखा है 3-नाइट्रोपिरिडीन, जबकि सल्फोनेशन में हम लिख रहे हैं पिरिडीन 3-सल्फोनिक एसिड। नाइट्रो को हम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए पिरिडीन से पहले लिख रहे हैं, जबकि सल्फोनिक एसिड को हम जो है फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए पिरिडीन के बाद लिख रहे हैं। तो नाम भी आप नोटिस कर लें एक बार। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जो है वो क्लोरीन का अगर हम हेलोजिनेशन करा रहे हैं तो AlCl3 की प्रेजेंस में करा रहे हैं। प्रोडक्ट सिंपली 3-क्लोरोपिरिडीन बन रहा है। लेकिन अगर हम ब्रोमिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमें 3-ब्रोमोपिरिडीन के अलावा 3-5-डाइब्रोमोपिरिडीन भी प्रोडक्ट मिलता है। लास्ट एग्जाम्पल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वो है मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन में हम करा रहे हैं जो है मर्क्यूरिक एसिटेट की प्रेजेंस में पिरिडीन का मर्क्यूरेशन कराया गया है। इससे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है 3-एसिटॉक्सीमर्क्यूरीपिरिडीन बन रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। इन सभी में 3 पोजीशन पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा पिरिडीन में कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जबकि एरोमेटिक कंपाउंड है, फिर भी इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पा रहा है। उसका रीजन ये है कि ये एक पाई डेफिसिट न्यूक्लियस है, इसलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पा रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हम अब साइट जो है वो देखते हैं कि कौन सी पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है इसमें। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 पोजीशन पे, जो कि इसकी बीटा पोजीशन है या मेटा पोजीशन है, उस पे हो रहा है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो 2 पोजीशन पे या 4 पोजीशन पे होगी, जो कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है। यहाँ पर मैंने इसको जो है इंटरमीडिएट के थ्रू प्रूव भी किया हुआ है। यहाँ आप देखिए C2 पोजीशन पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो एक ऐसी कैनोनिकल फॉर्म बनती है जो कि लास्ट वाली कैनोनिकल फॉर्म है, जिसपे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से वो सबसे स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है। जबकि C4 पोजीशन पे भी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो सेकेंड नंबर की जो कैनोनिकल फॉर्म है वो देखिए, उसमें वो भी मोस्ट स्टेबल लिखा हुआ है, जिसपे वो भी मोस्ट स्टेबल है क्योंकि उसपे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जबकि अगर न्यूक्लियोफाइल C3 पोजीशन पे अटैक करता है तो ऐसी कोई भी स्टेबल फॉर्म नहीं बनती है जिसमें कि नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आए। इसलिए हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है C2 और C4 पोजीशन पे होगा, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा C3 पोजीशन पे हो रहा था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं यहाँ पर नीचे आपको। अगर हम NaNH2 की प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में अगर पिरिडीन का अमीनेशन करते हैं तो 2-अमीनो पिरिडीन और 4-अमीनो पिरिडीन जो है वो बनता है, जो कि इसकी 2 और 4 पोजीशन पे जो है NH2 जो है उसका अटैक हुआ है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हमने QS से कराई हुई है। 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये होगी और इससे जो है 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन, या इसका दूसरा नाम जो है वो हम देख सकते हैं 2-पिरिडिनोल भी कहते हैं हम इसको, बन सकता है। इसमें कीटोइनोल टॉटोमेरेज भी पॉसिबल है।
पिरिडीन के बाद आज हमने ये हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जो फर्स्ट यूनिट है वो फिनिश कर ली है। थैंक यू।